वेलकम फ्रेंड्स इन WWE वर्ल्ड। इस वीडियो में बात करेंगे WWE की बड़ी अपडेट के बारे में, जहां दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे WWE की चालाकी, इंडियन फैंस ने करी बाई खली। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अंडरटेकर को लेके क्या प्लान बन सकते हैं आने वाले रॉ 25th एनिवर्सरी में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, WWE में ग्रेट खली के डेब्यू के बाद उनका सबसे पहला स्टोरी लाइन द अंडरटेकर के साथ देखने को मिला। दोस्तों ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी भी सुपरस्टार के एंट्री के बाद उसकी स्टोरी लाइन इतने बड़े दिग्गज सुपरस्टार के साथ में फिक्स कर दी गई हो। दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, द ग्रेट खली अपने परफॉर्मेंस और मॉन्स्टर शरीर के बल पे इतने कम समय में वहां के सबसे बड़े मॉन्स्टर बन गए। दोस्तों पूर्व WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द ग्रेट खली ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू के दौरान WWE को लेकर कई सारे बातें की। उन्होंने भारत में WWE के प्रभाव और भारत में मौजूदा रेसलिंग परिस्थितियों को लेकर कई सारे बात रखी। WWE का भारत में प्रभाव और उनकी कंपनियों में बिताए गए समय को लेकर खली ने बताया कि वो WWE छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन कंपनी उनका लगातार कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाती रही। उसके बाद 2014 में उन्होंने कंपनी छोड़ने का मन बना ही लिया। दोस्तों द ग्रेट खली का मानना है कि WWE भारत में पूरी तरीके से फेल रही। WWE मैनेजमेंट ने सोचा कि वो पूरी तरीके से खली का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद उन्हें छोड़ देंगे। दोस्तों खली ने बताया कि कंपनी के साथ रहकर मैंने कई बार WWE छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मुझे लगातार कॉन्ट्रैक्ट में फंसा रखे। दोस्तों द ग्रेट खली ने बताया कि भारत में रेसलिंग का भविष्य बहुत सुंदर और सुनहरा है, अगर इसे सही तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो हम काफी ज्यादा तरक्की हासिल कर सकते हैं। खली का मानना है कि भारत में एथलीटों की मानसिक स्थिति बहुत कमजोर है, इसी वजह से ज्यादातर एथलीट यहां के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स के यूज से उन्हें काफी ज्यादा परफॉर्मेंस में मदद मिलती है और उस परफॉर्मेंस के बल पे वो आगे बहुत ही अच्छे से बढ़ते हैं और मेडल जीतने में भी कामयाब होते हैं। बट मेडल जीत जाने के बाद उन्हें यहाँ पर बहुत ही प्यार और इज्जत मिलता है, बट बाद में वो अपना खेल एकदम बेकार कर देते हैं। दोस्तों तो ये कुछ बातें हैं जो ग्रेट खली ने इंटरव्यू के दौरान बताया। दोस्तों इन सब बातों से ये बात तो क्लियर हो गई है कि WWE इंडिया में केवल मार्केटिंग के लिए आती है, ना कि यहाँ के टैलेंट को बढ़ावा देती है। दोस्तों इस पूरे इंटरव्यू में खली ने सबसे ज्यादा जोर जिस बात पे डाला वो है इंडियन टैलेंट। दोस्तों खली ने बताया कि इंडियन टैलेंट को WWE नहीं देखती, बल्कि यहाँ पर केवल वो इंडियन मार्केटिंग के लिए आई है। इंडियन के रेसलर को वहाँ इतना ज्यादा बढ़ावा इसलिए जाता है क्योंकि WWE जानती है कि इंडिया में बहुत ही ज्यादा रेसलिंग फैन है और वो यहाँ से वो अपनी इनकम कई ज्यादा गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इन सारी बातों का सबसे बड़ा उदाहरण जिंदर माहौल है। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं जिंदर माहौल WWE में गए तो हैं, कई सारे चैंपियनशिप बेल्ट भी जीते हैं, बट वो कैसे जीते हैं? अपने चमचों की मदद से। दोस्तों WWE ये साफ दिखाना चाह रही है कि इंडिया में बहुत ज्यादा अच्छे रेसलर नहीं है, वो जीत सकते हैं तो केवल अपने चमचों के बल पे जीत सकते हैं। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, जिंदर माहौल के पास भी काफी अच्छी बॉडी और बहुत अच्छी ताकत है, वो दोस्तों बिना अपने चमचों के भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं रिंग में। दोस्तों तो ये कुछ बातें हैं जिसे ग्रेट खली ने इंटरव्यू के दौरान हमें बताया। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूज की तरफ, जो कि है रॉ 25th एनिवर्सरी को लेके अंडरटेकर के मैच के बारे में। दोस्तों कुछ समय पहले कुछ रूमर सामने निकल के आया था कि आने वाली रॉ 25th एनिवर्सरी में हमें जॉन सीना वर्सेस अंडरटेकर के बीच में कुछ पकता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों फिलहाल एक दो दिन से रूमर इतना ज्यादा तेजी से फैल रहा है कि आने वाली रॉ 25th एनिवर्सरी में ये बात तो पक्की नजर आ रही है कि हमें अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना के बीच में कुछ पकता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों न्यूज ऑब्जर्वर की माने तो आने वाली रॉ 25th एनिवर्सरी में अंडरटेकर आएंगे और ये बात क्लियर कर देंगे कि वो अब संन्यास लेने वाले हैं। बट दोस्तों इतने में एंट्री होगी जॉन सीना की और जॉन सीना सीधे कहेंगे कि मुझे तुमसे एक मैच चाहिए, जिसके बाद दोस्तों हमें रेसलमेनिया में ये मुकाबला फिक्स हो जाएगा अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना। और दोस्तों हमें बीच बीच में रॉ और स्मैकडाउन में बराबर इन दोनों के बीच की फ्यूड देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर फिलहाल मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि यहां पर अंडरटेकर आएंगे अपने संन्यास की अनाउंसमेंट करेंगे। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि हमें अंडरटेकर और जॉन सीना के बीच में थोड़ी बहुत चिंगारी देखने को मिलेगी, बट दोस्तों रॉयल रंबल में अंडरटेकर जॉन सीना को या फिर जॉन सीना अंडरटेकर को एलिमिनेट कर देंगे, जिसके बाद दोस्तों ये चिंगारी आग में बदल जाएगी, जिसके बाद दोस्तों हमें आने वाले रेसलमेनिया में इन दोनों के बीच मैच देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी दो बहुत बड़ी अपडेट WWE को लेके। तो दोस्तों आप बताएगा कि आने वाले रेसलमेनिया में आप अंडरटेकर का मैच जॉन सीना के साथ में देखना चाहते हैं या फिर अंडरटेकर का मैच रोमन रेंस के साथ में देखना चाहते हैं, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल अगर दोस्तों न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू गाइज़।